is on coronavirus. जिस तरह से लगातार कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, हम कहाँ जाएं अब? इस क्यों कहां क्या कैसे के बीच में आई एक आवाज, हम साथ हैं। ये तेरे मेरे नहीं, ये सबके घर की बात है, हम सबके घर की बात है। जब थी कतरा कतरा सांस और ना था कोई पास, टूटा था उसका बल, नहीं पा रहा था संभल, उसने छोड़ दी थी आस, लगता था उसे किसी ने नहीं सुनी उसकी बात। आई एक आवाज, हम सब साथ हैं। ये तेरे मेरे नहीं, ये सबके घर की बात है, हम सबके घर की बात है। बात पहुंची किसी तक, उसने फिर आगे बढ़ाई, बोला किसी को चाहिए सांस, मदद करना भाई। एक एक करके हर एक जुड़ने लगा, सबने आगे रखा इंसानियत का जज्बा, साथ आकर करी सबने सांसें इकट्ठा। जाना अनजाना, दूर का या दूसरा कोई, सब आ गए साथ हैं। ये तेरे मेरे नहीं, ये सबके घर की बात है, हम सबके घर की बात है। किसी की भूख की समस्या का किसी ने घर से निकाला हल, खां साहब के घर का खाना खन्ना के घर को गया निकल। घर पे सेवा नहीं हो सकती, पर घर से तो हो सकती है। पहचान उतनी जरूरी नहीं जितनी जान जरूरी है, अब हर कोई परिवार है, ये बात तो पक्की है। इसीलिए सब साथ आ गए ये बात सोचकर, तू कौन है, तू क्या है, ये बात भूल कर कि धरा है घर मेरा तो हर इंसान परिवार है। ये तेरे मेरे नहीं, सबके घर की बात है, हम सबके घर की बात है। आप मैं हम सब आखिर एक ही घर का तो हिस्सा है। इसीलिए वेक फिट भी इंडिया के हर घर के साथ है, आखिर ये हम सबके घर की बात है। जी नमस्ते, अब मैं हशमत रजा सोनू सूद फाउंडेशन से हूँ। हम लोग बैंगलोर में जब से कोविड की सेकेंड लेयर शुरू हुई है उसी वक्त से हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं, पूरे मिलजुल के कोविड फ्री बैंगलोर और सूद फाउंडेशन दोनों के वॉलंटियर्स मिल के काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग स्टार्टिंग से ऑक्सीजन वगैरह की जहाँ पर कमी थी हॉस्पिटल्स में तो ऑक्सीजन की कमी पूरी की है, ऑक्सीजन बेड्स के जहाँ पे रिक्वेस्ट थी या आईसीयू वेंटिलेटर की बेड रिक्वेस्ट थी, ये सारी चीज़ें हमने सूद फाउंडेशन के अंडर में, सोनू सूद के अंडर में हमने काम किया है। और इससे पहले हमने 5000 फूड डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम किया है और अभी 1500 रेशन की डिस्ट्रीब्यूशन है और ऐसे आगे भी काम करते रहेंगे। तो फ्यूचर में अभी यही है मैडम कि अभी जैसे कोरोना का थर्ड लेयर आने का लोग बोल रहे हैं तो उसी के प्रिपरेशन में हम लोग अभी लगे हैं। तो और ऑल्सो सोनू भाई ने बोला है कि बैंगलोर में हम ऑक्सीजन प्लांट भी लगाएंगे, आप आइडेंटिफाई करो जगह, तो सोनू भाई के ऑर्डर्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। और सोनू सूद भाई का ऐसा है कि मतलब आप रात में कॉल करो, सुबह में कॉल करो, शाम में कॉल करो, एनी टाइम वो कॉल हमेशा उठाते हैं और अपनी बात करते हैं, ये सारी चीज़ें कैसे करना है क्या करना है। और वो ऐसा नहीं कि वो ऑर्डर देते हैं, वो हमारे आइडियाज़ लेते हैं, हमारे आइडियाज़ पे फिर वो सजेशन देते हैं ऐसे करो। तो ये एक ग्रेट लीडर की जो क्वालिटी है, बस उन्हीं को देख के हम लोग इंस्पायर हुए हैं और उसी के हिसाब से हम काम कर रहे हैं।